नमस्कार प्रियजनों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी शुभचिंतक। भाई बहनों, देव उठनी एकादशी आ रही है, कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीने में दीपदान और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यह शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिका पूर्णिमा तक चलता है। इस पावन महीने में पवित्र नदी में स्नान और दीपदान के से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हर तरह की मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा करने पर विशेष लाभ मिलता है। अगर कई कोशिश करने के बाद भी किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती तो आपको तुलसी पूजा देवउठनी एकादशी को तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी पूजा के लिए आप कार्तिक महीने में इसका विशेष लाभ मिलता है। अगर कई कोशिश करने के बाद भी किसी काम में विघ्न बाधाएं आती हैं और वो विघ्न बाधाएं दूर नहीं होती तो कार्तिक महीना उन सब समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सही है और शुभ है। तो कार्तिक माह में तुलसी के पत्तों के कुछ उपाय आपको बता रहे हैं, आप उनसे उपाय करके सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों से क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हों और लक्ष्मी कृपा हम पर बनी रहे। पहला उपाय है कि कार्तिक माह में अगर आपको नौकरी और कारोबार में तरक्की पाना है तो गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर पीले रंग का कपड़ा बांधें जिससे कारोबार बढ़ता है और नौकरी में प्रमोशन मिलता है। और इसमें नौकरी और कारोबार में अगर आपको कोई समस्याएं आ रही हैं, किसी प्रकार से संकट आ गया है नौकरी पर और कारोबार में, तो आप हनुमान जी को 9 पत्ते तुलसी के अवश्य चढ़ाएं और हमेशा चढ़ाएं। 9 पत्ते तुलसी के रोजाना चढ़ाएं, आपको नौकरी में और कारोबार में अगर कोई संकट है तो वो दूर हो जाएगा। कार्तिक माह में तुलसी का पौधा लगाएं, साथ ही श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा घर में रखें और उस तस्वीर में तुलसी के 11 पत्तों को बांध दें। ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, कभी भी पैसों का को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। महालक्ष्मी की कृपा आप पर लगातार बनी रहेगी। धन लाभ के लिए सुबह उठकर तुलसी के 11 पत्ते तोड़ लें और उन 11 पत्तों को आप भगवान विष्णु को अर्पित करें जिससे भी महालक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। कार्तिक महीने में आप 21 पत्ते तुलसी के तोड़ लें और उनको अपने जहां आप आटा रखते हैं जिस बर्तन में भी, उस बर्तन में डाल दें, उस बर्तन में रख दें। आटे में तुलसी के पत्तों का प्रयोग करने से आपके घर में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर होने लगेंगी। आपको कुछ ही दिनों में आपके घर में इन सब चीज़ों का बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति बढ़नी शुरू हो जाएगी। हिंदू धर्म में तुलसी का पूजन और सेवन दोनों ही काम का महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से इसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। कार्तिक महीने में तुलसी विवाह भी होता है। अगर बच्चों के संतान की शादी को लेकर या स्वयं की शादी को लेकर समस्याएं आ रही हो तो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और तुलसी विवाह जरूर करवाएं ताकि शादी विवाह में आने वाली समस्याएं सारी दूर हो जाएं। कार्तिक महीने में जमीन पर सोने को अच्छा माना जाता है। भूमि पर सोने से मन में अच्छे विचार आते हैं और मन के दूषित विकार दूर हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति कार्तिक के पूरे महीने जमीन पर सोता है उसके जीवन से विलासिता दूर होती है और सादगी आती है, और सादगी आने से मन के विचार भी स्वच्छ हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में जमीन पर सोने को अच्छा माना गया है। कार्तिक के पूरे महीने में गंगा नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में तुलसी के नीचे पूरा महीना तुलसी के नीचे गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय जलाएं, अन्यथा शाम के समय सायंकाल में अवश्य जलाएं। सायंकाल में तुलसी माता को दिया दीपक जलाने से घर में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर होती हैं। रिश्तों को लेकर भी जो समस्याएं होती हैं वो दीपदान करने से दूर होती हैं। तुलसी माता बिछड़े हुओं को मिलाने वाली है, रिश्तों की समस्याओं को दूर करने वाली है। इसलिए तुलसी माता की पूजा कार्तिक माह में अवश्य करें। विष्णु भगवान और तुलसी माता की पूजा एक साथ करें। तुलसी माता के नीचे जब भी दिया आप जलाएं, विष्णु भगवान का मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय निरंतर जपते रहें, जिससे तुलसी माता बहुत प्रसन्न होती हैं और विष्णु भगवान और तुलसी माता की बराबर कृपा दोनों की बनी रहती है और महालक्ष्मी मैया आपके घर में निरंतर बनी रहती हैं, स्थायी रह जाती हैं और आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। जब भी आप तुलसी माता के नीचे दीपक जलाएं तो चावल के ऊपर दीपक जलाएं, नीचे चावल रख के छोटी सी ढेरी बनाकर ऊपर दीपक जलाएं। आपको चावल की ढेरी पर तुलसी माता को किया हुआ दीपक धन धान्य से आपका घर भर देगा, आपको बहुत संपत्ति का लाभ होगा, महालक्ष्मी पूरी तरह से प्रसन्न होंगी क्योंकि चावल माता रानी को बहुत प्रिय हैं। चावल के ऊपर दिया करने से महालक्ष्मी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं और धन धन्य से घर को भर देती हैं, सुख संपत्ति मिलती है। भाई बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आपको अगले आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो इसी तरह से मिलते रहें। मैं आप सबको, भाई बहनों को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।